बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ मंदी बनाने लगे हैं, तो आएँ आप भी हमारे साथ मिलके बनाते हैं। एक किलो बीफ ले लिया था मैंने और इसकी मोटी मोटी बोटियाँ करवा ली हैं। छोटी नहीं करवानी है, जितनी बड़ी हो उतना अच्छा, क्योंकि मंदी में जितनी बड़ी बोटी हो उतनी अच्छी लगती है। अब इसे अच्छे से हमने धो लिया है, अब इसे हमने बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त हमने इसमें 4 से 5 लहसुन के जोए और 3 से 4 अदरक के पीसेस डालने हैं और 2 से 3 काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी, ये डाल के हमने इसे बॉईल होने के लिए रख देना है जब तक ये अच्छे से नरम नहीं हो जाता। ये याद रखिएगा कि मंदी का गोश्त जितना नरम होगा उतना मज़े का बनेगा। अब हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है, ये देखें बोटी टूट रही है, तो ये बिल्कुल गल गया है। अब इसे हमने पैन में फ्राई करना है। मैं ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, उससे टेस्ट इसका ज़बरदस्त आता है। अब हमने जो बीफ की बोटियाँ बॉईल की थी वो इस पर रख देंगे और हम दोनों साइड से इसे गोल्डन रंग आने तक फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, जलाना नहीं है। फ्राई करते हुए साथ ही में इसमें हल्का सा नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च वो इस पर हम छिड़क देंगे। चलें चावलों की तैयारी करते हैं। पैन में 5 से 6 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, साथ ही में इसके हम मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो ऐड करेंगे, आधी चम्मच ज़ीरे की ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे थोड़ा सा सोते करेंगे, 4 से 5 लहसुन के जो है वो ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा सोते करने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 2 टीस्पून काली मिर्च। बस इसमें सिंपल मसाले डालते हैं, सिर्फ 2 अदद, और इससे चावलों में ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून मक्खन ऐड करूँगी और इसे थोड़ा सा सोते करेंगे। मैं 2 ग्लास चावल बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ, आप जितने चावल बना रहे हैं उस हिसाब से कीजिएगा। अब 2 ग्लास चावल में मैं 3 ग्लास पानी डालूँगी, जिसमें 1 ग्लास यखनी होगी और 2 ग्लास पानी होगा। हमने सारी यखनी नहीं डालनी, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाली नहीं आती। देखें इसमें अच्छे से उबाली आ गई। अब जो चावल हमने 2 ग्लास भिगो के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही सिंपल बनते हैं लेकिन टेस्ट इन चावलों का बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी होता है। हमने आंच इसकी अब आस्ते नहीं करनी, तेज़ आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देना, जब तक इसका पानी ऊपर नहीं आ जाता। जब पानी इतना रह जाए तो हमने इसे दम पे रख देना है और जो बीफ हमने फ्राई किया हुआ था वो इस पर हम रख देंगे। सारा गोश्त बीफ जो है रखने के बाद जो जिस ऑयल में हमने इसे फ्राई किया हुआ था वो ऑयल भी हमने इसके ऊपर ही डाल देना है और हरी मिर्चें जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो भी दम में हमने इसमें 4 से 5 रखनी है। उसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है, साथ में पुदीना भी डालिएगा, ऊपर से पुदीना, फ्रेश पुदीने की खुशबू भी ज़बरदस्त होती है। अब इसे दम पर रख देंगे 20 मिनट तक, बिल्कुल धीमी आँच पर, और ये 20 मिनट बाद हमारी बीफ मंदी बिल्कुल तैयार है। आपको मैं इसके चावल दिखाऊं, एक एक चावल अलग अलग है और खुशबू ज़बरदस्त, ये देखिए। चलें आएं इसे सर्व करते हैं। चलें जी, हमें तो भूख लगी है, हम तो खाने चले हैं, आएं आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।